Good morning, students. I am Reshu, your English teacher. Students, as we have studied our chapter 8 and we have also completed its explanation and reading portion, so today we'll do its book work and notebook work. So let's start. First, there are some word meanings. This is your Notebook work okay so first word is meals meals. uh eating food means जो हम एक टाइम का खाना खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं मील ओके वी हैव थ्री मील्स इन अ डे ब्रेकफास्ट लंच then डिनर रेयरली नॉट ऑफ एन मीन्स जो रोज मतलब अक्सर ना होता हो वो कभी कभी होता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं रेयरली बॉल्ट बॉल्ट मीन्स विदाउट हेयर ऑन हेड मीन्स कि जिनके बाल नहीं होते हैं सर पर वो क्या होते हैं गंजे थिनर मोड़ थीन मीन्स ज्यादा पतले थिनर लैसन मैसेज मीन्स सबक कोई मैसेज या फिर कोई लेसन ओके या बुक मील्स एज आई हैव टॉच यू ओके मील्स मीन्स ईटिंग फूड ओके वी हैव थ्री मील्स In a day. Second one is bald. Bald without hair on head. So the old man was bald. Okay. Then lesson. We read a lesson every day. Okay. Now this is also your notebook work.

उसके बीच में भी वो लोग खाते हैं कौन वल्चर्स तो ये उनकी क्या है रॉन्ग हैबिट है गलत हैबिट है ये ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारे मील्स हैं हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग खाना खाना चाहिए ओके देन हाउ आर द वल्चर्स आइज एंड हेड सो कैसे हैं वल्चर की आइज और उसकी हेड ये देखिए

बताइए यस थिन इट्स नैक इज थिन कैसा है बहुत पतला है सो वॉट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम द पोम हमें इस पोम से क्या लेसन मिलता है क्या मैसेज मिलता है बताइए वी लर्न दैट वी शुड नॉट ईट बिटवीन मील्स हमें पता चलता है कि हमें अपने मील्स के बीच में नहीं खाना चाहिए जैसे कि वल्चर्स खाते हैं ओके वी शुड नॉट ईट लाइक दैम हमें उनके तरह से नहीं खाना चाहिए ओके नाउ अगेन बुकवर नेम द फॉलोइंग बर्ड्स आपको इन बर्ड्स के नेम्स बताने हैं ये आपको क्लूज दिए हैं ओके okay? आई हैव रिटर्न ऑलरेडी दिस बर्ड हैज वाइट फेदर्स इस बर्ड को वाइट फैदर्स होते हैं मीन्स उनके पंख जो होते हैं वो कैसे होते हैं व्हाइट स्वान ओके दिस बर्ड सेज क्वैक क्वैक आप बताइए क्वैक क्वेक कौन बोलता है डाक है ना देन दिस बर्ड लेस एग्स विच वी ईट ये जो बर्ड है ये जो एग्स देती है उनको हम खाते हैं तो कौन सी बर्ड है वो हैन है ना नाओ नंबर फोर दिस बर्ड फ्लाईज हाई इन द स्काई ये बर्ड स्काई में बहुत ऊँचा उड़ता है तो क्या है? कौन सी बर्ड है ये ईगर्ल दे दिस इज द लार्जेस्ट बर्ड यह सबसे बड़ी बर्ड है कौन सी है वल्चर ओके नाउ यूजिंग एम इज आर वी यूज एम विद आई लिसेन बच्चों आई ऑलवेज कम्स विद एम और यू कैन से एम ऑलवेज कम्स विद आई आई और एम दोनों का साथ है कहीं भी एम है तो आप उसको जहाँ पर भी आई देखते हैं वहाँ लिखेंगे ओके okay? एम हमेशा कहाँ पर यूज होता है आई के साथ आई एम ओके आई एम अ गर्ल वी यूज एज विद ही शी एट और एनी वन पर्सन एनीमल और थिंग हम हमेशा जो इस यूज़ करते हैं वो किस किस के साथ करते हैं uh, जो नंबर में क्या होता है ओनली वन ठीक है सिंगलर पर्सन लाइक ही शी इट और एनी वन पर्सन वन एनिमल और वन थिंग ओके लाइक ही इज अ बॉय रितु इज अ गर्ल द वर्ल्चर इज़ अ बर्ड ऑल राइट देन वी यूज़ आर विद यू वी दे एंड मैनी पर्सन्स एनिमल्स एंड थिंग्स मीन्स हम आर कहाँ यूज़ करते हैं वेअर कौन होता है मोर देन वन पर्सन एक से ज़्यादा लोग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं आर बट यू यू क्या होता है हम हम एक किसी को एक जो व्यक्ति होता है उसके लिए हम यू भी यूज़ करते हैं लाइक यू आर अ गर्ल यू लुक प्रिटी तो वो भी क्या है कि वो भी यू के साथ भी हम आर ही यूज़ करते हैं यू हम दो लोगों के लिए भी मीन्स कि एक लोगों के एक के लिए भी बोलते हैं यू लेकिन हम उसके साथ भी क्या यूज़ करते हैं आर ओके सो यू आर अ बॉय वी आर फ्रेंड्स वल्चर्स आर बिग बर्ड्स ट्रीज आर टॉल ओके नाउ अभी आपको यहाँ एक एक्सरसाइज फिल करनी है द वल्चर स्नैक इज थर्स आईज आईज कितनी हो गई दो टू आईज आर देयर सो आर द वल्चर्स आईज आर डल इट्स हैड इज बॉल्ट ओके यस आई अब देखिए आई के साथ हमेशा क्या आता है एम आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ बर्ड ओके देन वी वी क्या है मोर देन वन पर्सन मीन्स कि एक से ज़्यादा लोग हैं वी मतलब हम दो लोग या दो से भी ज्यादा लोग ठीक है सो वी आर लर्निंग अबाउट बर्ड्स ओके नाउ दिस इज योर होमवर्क क्रिएटिव स्किल्स स्किल स्टिक पिक्चर्स ऑफ बर्ड इन द पोम और ड्रॉ इट मीन्स जो आपको बर्ड यहाँ पर दिखाई दी है तो आपको क्या करना है उसकी यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी है या फिर पेस्ट करनी है ठीक है आप वैसे तो इसमें स्टिक पिक्चर्स ऑफ बर्ड इन द पोम और ड्रॉइट इसको आप पेस्ट भी कर सकते हैं और या फिर इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स ओके बाय बाय टेक केयर थैंक यू